ऐसे इलाज हो सकते ना कि उनको एक 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 मौका मिले कि वो थिएटर में आके मतलब दिख जाए, तो दैट्स द ओनली वे दैट, और तो बेचारा है ही नहीं, मतलब नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न एंड अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैवंट कम आउट एजेस येट. छोटी पिक्चरों को मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक थिएटर में आने के लिए, लोगों को देखने के लिए, तो दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज बैटल फॉर द काइंड ऑफ फिल्म इट इज. बहुत अच्छी पिक्चर है, नवाज भाई बहुत अच्छे मतलब, और श्वेता एंड श्लोक शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी विद द फिल्म. कहीं ना कहीं सर जो छोटी बजट की मूवी होती है या फिर जो छोटी फिल्म होती है उसे कहीं ना कहीं सहारा नहीं जाता है, जो ज़्यादातर उसे लाइमलाइट मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोत्साहन मिलता है जो डायरेक्टर्स होते हैं वो, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि जो मूवीज़ होती है छोटी बजट की मूवीज़ होती है उसे कैसे लाइमलाइट में लाया जाए? कुछ ऐसे लाइमलाइट में मतलब ऐसे इलाज हो सकते ना कि उनको एक 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 मौका मिले कि वो थिएटर में आके मतलब दिख जाए, तो दैट्स द ओनली वे दैट, और कोई तो चारा है ही नहीं, मतलब नेटफ्लिक्स एंड अमेज़न एंड अदर स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैवंट कम आउट एजेस येट, तो बिकॉज़ द बजट ऑफ द प्रमोशन इज अ लॉट दिस डे, मतलब बहुत है, एंड यू नो वी रियली स्मॉल फिल्म्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट टू बी सीन इन थिएटर्स, बट इट्स ऑलवेज वेरी नाइस व्हेन दे डू बी सीन. मतलब हाँ कि अगर मार्केटिंग बजट हम लोग कम कर सकें या डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट हम लोग कम कर सकें, मतलब ऐसे कुछ, बट किसी को तो मतलब बैठ के कुछ मतलब वेरी डेफिनेटली कुछ फाइट करना पड़ेगा. बाकी बहुत सारे फाइट्स अपने इंडस्ट्री में, तो ये फाइट कौन करेगा, कब करेंगे, मतलब सोचना पड़ेगा. बट हाँ मतलब अगर नहीं करेंगे तो मतलब द चांसेस आर दैट द स्मॉल फिल्म इंडस्ट्री विल डाई आउट कम्प्लीटली, वी कांट लेट दैट हैपन, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे. ओके ओके लेट मी आस्क यू वन, क्योंकि स्टोरी टीचर और एक स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में, क्या आपको कभी क्रश रहा है स्कूल के टाइम में टीचर पे? टीचर हाँ वो तो रहा है ना, नहीं रहा कौन सा पढ़ाता है मुझे पढ़ाई नहीं थी, वो दूसरे सब्जेक्ट मतलब डिवीजन में पढ़ाती थी, लेकिन उन पर क्रश था, मतलब नाम तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरी बीवी मेरे मारे किसी और क्लास में जाते थे हाँ किसी करेक्ट थैंक यू सर.